फ्योदोर दोस्तोवस्की रूस के महान लेखक थे। 19वीं शताब्दी का वक्त था जब दुनिया की कई भाषाओं में उपन्यास विधा ठीक से पहुंची भी नहीं थी। दोस्तोवस्की ने तभी ऐसे महान उपन्यास लिख दिए कि आज तक उन्हें पढ़ा जाता है। उनका जीवन बहुत विचित्र था। नाकामी, असफलता, फेलियर, अगर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के चुटकुले पढ़े जाएं, तो हमें पता चलेगा कि दोस्तोवस्की का जीवन असफलता का पर्याय माना जाता था। जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें नाकाम रहने लगे, मरने की नौबत आई तो उसमें भी नाकाम रह गए। खुद नहीं मरने गए थे, बस ऐसा घटना चक्र बन गया था। तो क्या थी वो घटना? बात यह है कि कम उम्र में ही दोस्तोवस्की पर लेखक बनने का भूत सवार हो गया। किताबें पढ़ने लगे। उस समय रूस में जार का शासन था। जार यानी राजा, एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जो स्वायत्त भी हो और अपनी सुविधा के हिसाब से निरंकुश भी। लैटिन भाषा का शब्द है सीजर यानी सम्राट। जैसे कि जूलियस सीजर था, वही सीजर शब्द पूर्वी यूरोप की भाषाओं में आके जार बन गया। तो जार ने जिन किताबों पर प्रतिबंध लगा रखा था, दोस्तोवस्की के घर में वही किताबें पाई गईं। वे उन्हीं को पढ़ रहे थे, पकड़ लिए गए और 21 लोगों के साथ उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। उस समय दोस्तोवस्की की उम्र महज 28 साल थी। 1849 का बरस था। जेल में बंद होके वो सारे लोग मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक सुबह सारे के सारे कैदियों को तैयार किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग के चौराहे पे लाके खंभों से बांध दिया गया। चारों ओर तमाशबीन थे, अर्थियां और ताबूत पड़े हुए थे। इधर कैदी मरेंगे, उधर टप से उनकी लाश ताबूत में डाल दी जाएगी। सिपाही बंदूक लेके तैयार खड़े थे। अफसर हाथ में हुक्मनामा लिए खड़ा था और जोर जोर से पढ़ रहा था। क्या? मौत का फरमान। और जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था ताकि तमाम जनता भी उसे सुन सके। अंत में अफसर बोला, इन सबको गोली मार दो। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, पूरे 20 बार बोला, इन सबको गोली मार दो। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। कैदियों को कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहनाया गया था, बल्कि सिर्फ एक काला चोगा, वही पहना के खंभे से बांध दिया गया था। बारी बारी से सबके चेहरे पर काला कपड़ा बांधा गया। जब दोस्तोवस्की की बारी आई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ पैर पूरा बदन पूरी तरह कांप रहे थे। ठंड से या मौत के डर से, ये बात वो कभी जान नहीं पाए। बहुत मार्मिक शब्दों में उन्होंने लिखा है, सामने गिरजाघर था, उसके गुंबद से रोशनी आ रही थी। मुझे लग रहा था यह कोई पवित्र रोशनी है, अभी मेरे पास आएगी, मेरा हाथ थामेगी और मुझे दूसरी दुनिया में लेकर चली जाएगी। लेकिन गुंबद के नीचे सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। दोस्तोवस्की के मुंह पे काला कपड़ा डल चुका था। अफसर 20 बार बोल चुका था, इन्हें गोली मार दो। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, जिसके खत्म होते ही धाएं की आवाज करते हुए गोली आएगी। सिर में या छाती में एक सुराख बन जाएगा और एक साथ 21 लोगों के प्राण पखेरू हो जाएंगे। आतंक था, सिर्फ आतंक था। लेकिन तभी जोर की आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ। चौराहे के दूसरे छोर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आ रहा था, हाथ में सफेद रुमाल लहराता हुआ, चिल्लाता हुआ, रुक जाओ, रुक जाओ, राजा ने इन सब की सजा माफ कर दी है। ये सुन के सिपाही रुक गए, अफसर सन्न रह गए। गोली का इंतजार करते कैदियों में पल भर को जान आई। अफसर ने नया हुक्मनामा पढ़ के सुनाया। पता चला राजा ने सजाए मौत को खारिज कर दिया है।
उसके बदले सारे कैदियों को दूर साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में कारावास में भेज दिया जाएगा। वहां उन्हें 8 साल की कैद गुजारनी होगी। तो मौत जो इतना करीब आ गई थी, एक गोली जितनी करीब, अचानक दूर चली गई। राहत की बात थी कि सबकी जान बच गई, लेकिन जब मौत इतना करीब आती है तो अपना निशान छोड़े बिना वापस नहीं जाती। उस भयानक ठंड में यह एक अजीब किस्म का सदमा था, जैसे खुद ईश्वर ने सबकी फिरकी ले ली हो, ऐसा गंदा चुटकुला मारा हो। शौक के कारण एक कैदी उम्र भर के लिए पागल हो गया और कुछ कैदी जिंदा बच के भी अर्ध विक्षिप्त हो गए। उस ठंड में सिर्फ एक कपड़े में खड़े रहने के कारण, उन्होंने सिर्फ एक कपड़ा पहना था, सिर्फ एक कपड़े में खड़े रहने के कारण 4 या 5 लोगों के फेफड़े खराब हो गए और वे लोग कुछ ही दिनों में मर गए। 3-4 लोगों के कान में ठंडी हवा इस तरह घुसी, ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि जिंदगी भर ठीक ही नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, इसकी के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जब मौत पास से गुजरती है तो उसकी खरोंच का सबसे गहरा निशान शरीर पर भले न बने, लेकिन आत्मा पर जरूर बनता है। और जीवन का सबसे बड़ा बोझ यह होता है कि किसी सदमे को अपने कंधों पर ढोते हुए लगातार चलना, चलते रहना और उस सदमे को भूलने में नाकाम रहना। दोस्तों, इसकी के साथ यही हुआ। बाद के बरसों में उन्होंने महान किताबें लिखीं, जिनमें जीवन, मृत्यु, अपराध, गलती, दंड, प्रायश्चित जैसे तमाम विषयों को उन्होंने गंभीरता से खंगाला और हर जगह उन्हें अंधेरे के दर्शन हुए। दोस्तोवस्की मेरे सबसे प्रिय लेखकों में से हैं। ब्रदर्स करमाजोव मेरी नजर में उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और क्राइम एंड पनिशमेंट यानी अपराध और दंड भी। ये सारी किताबें हिंदी अनुवाद में भी उपलब्ध हैं। अगर लिखने पढ़ने में आपकी जरा भी दिलचस्पी हो तो दोस्तोवस्की का लिखा जितना भी मिल सके घोंट जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर उस लहराते हुए सफेद रुमाल पे सिपाही की नजर सही समय पे ना पड़ी होती, अगर उसकी बंदूक का ट्रिगर दब जाता, गोली चल जाती, तो क्या होता? दुनिया दोस्तोवस्की जैसे महान लेखक से वंचित रह जाती। लेखक क्या, किसी भी साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना घटेगी तो ताउम्र उसके खौफ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। कई लोग अचरज करते हैं कि दोस्तोवस्की के उपन्यासों में इतना सारा अंधेरा आखिर आया कहां से। तो इसका एक जवाब यह भी हो सकता है कि जीवन और मृत्यु के बीच एक लंबी सुरंग होती है जिसमें अंधेरे की नदी बहती है। दोस्तोवस्की उस सुरंग में घुस के वापस लौटे थे, इसलिए ताउम्र उनके जिस्म से अंधेरा टपकता रहा, जैसे नदी से निकलने के बाद आपके जिस्म से पानी टपकता है। जिंदा बचे रहना अगर एक नियामत है तो एक शाप भी है, खासकर तब जब जिंदगी जीने के साथ साथ आपको ईमानदारी से उस जिंदगी की कहानी भी लिखनी पड़े। ये बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आप कहानी लिख रहे होते हैं उसी खतरनाक जिंदगी की, उसी खराब जिंदगी की, तो उन सारे अनुभवों को दोबारा तिबारा चौबारा जी रहे होते हैं। इस तरह की चीज लिखना मुश्किल क्यों ना होगा? एक बार किसी बुरी घटना को एक बार जीने से ही इतना सदमा लगता है मन पर, आत्मा पर, तो अगर उसी घटना को बार बार जीना पड़े तो कितना भयानक सदमा होगा। आत्मा कांप जाएगी, अंधेरा आपका दोस्त बन जाएगा। आप अंधेरे का इस्तेमाल छुपने के लिए भी करेंगे और अंधेरे का ही इस्तेमाल खुद को उजागर करने के लिए भी करेंगे। जो दोस्तोवस्की के यहाँ गहरा अंधेरा है, उसका एक कारण उनका जीवन भी है। और जीवन का ये वाला हिस्सा जिन्होंने
उनकी पूरी मानसिकता को बदल के रख दिया था।